बिलासपुर के जुखाला के जबल पुल के पास एक चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक चालक ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। बिलासपुर के अग्निशमन केंद्र की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में लगी है। बताया जा रहा है कि गाड़ी भागा की ओर जा रही थी और जैसे ही जुखाला के जबलपुर के पास पहुंची तो गाड़ी से अचानक धुआं निकलने लगा। देखते देखते गाड़ी ने एकदम आग पकड़ ली और गाड़ी पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गई है। बिलासपुर के जुखाला के जबलपुर के पास एक चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक चालक ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बिलासपुर की अग्निशमन केंद्र की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में लगी। बताया जा रहा है कि गाड़ी भागा की ओर जा रही थी और जैसे ही जुखाला के जबलपुर के पास पहुंची तो गाड़ी से अचानक धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते गाड़ी में एकदम से आग लग गई। चालक ने गाड़ी से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। गाड़ी में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गई है। बिलासपुर अग्निशमन विभाग के इंचार्ज सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें फोन के माध्यम से सूचना मिली थी कि जुखाला जबलपुर के पास ट्रक में आग लगी है। विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और आग को बुझाया गया। गाड़ी का लगभग 8 लाख के आसपास नुकसान हुआ है। 10:25 के ऊपर फायर स्टेशन बिलासपुर में ट्रक आग लगने की कॉल आई थी, जिसके ऊपर फायर कर्मचारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया। इस आग में ट्रक का कैबिन, इंजन इत्यादि जल गया। वो बचाई गई संपत्ति जिसमें कि टायर और गाड़ी का तेल का टैंकर, वो चैसी इत्यादि को बचा लिया गया। इसमें लगभग 4 लाख का नुकसान हुआ।